आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है मानव की प्रकृति और हमने आपसे पूछा था कि आपका स्वभाव कैसा है या आपके आसपास आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है कि जिसका स्वभाव सालों से नहीं बदला और उसी स्वभाव के साथ वो जी रहा है। तो आप सभी ने अपने स्वभाव के बारे में बहुत कुछ हमें लिख भेजा है। हमारे एक साथी कहते हैं कि स्वभाव हर इंसान का अपना अपना स्वभाव होता है। जिस तरह से धरती पर अनेकों फूल होते हैं पर होते तो फूल ही हैं, कोई गुलाब कोई मोगरा तो कोई चमेली, मगर खुशबू सभी की अलग अलग। इंसान भी इसी तरह से बनाया गया है। अपने स्वभाव में थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार थोड़ा नखरा जरूर है, बस गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, गुस्सा जल्दी आ ही जाता है। तो इन्होंने अपना स्वभाव इस तरह से बताया। हमारे एक और साथी का कहना है स्वभाव क्या है। स्वभाव को अक्सर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में माना जाता है, हालांकि स्वभाव वास्तव में किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का एक संयोजन है। ये विशेषताएं इस बात को प्रभावित करती हैं कि कोई व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया में कैसा व्यवहार करता और प्रतिक्रिया करता है। ये बात भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि उसी से अंदाजा लगाया जाता है कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो सकता है। हमारे एक और साथी का कहना है कि मनुष्य की प्रकृति अब ऐसी हो गई है कि वो प्रकृति की चिंता नहीं करते, करते भी हैं तो बिल्कुल अल्प मात्रा में। आपका प्रश्न है कि आपका स्वभाव या प्रकृति कैसी है। अमूमन ऐसा होता है कि हम खुद का स्वभाव समझ ही नहीं पाते, कोई और व्यक्ति ही हमारे स्वभाव के बारे में हमें बता सकता है। जो खुद का स्वभाव पहचान ले उनके लिए जीवन की काफी उलझने सुलझ जाती हैं, क्योंकि कब कहां अपने स्वभाव में बदलाव करना है उसे मालूम होता है। ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही। तो चलिए मानव स्वभाव को ही बताता एक गीत आपको सुनवाते हैं। हमें बताइए कि इस गीत में किसे कहा जा रहा है नखरे वाली। नखरे वाली देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, मन की काली। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में, डिडलिए डुडलुओ डिडलिए डिडलिए डुडलुओ डिडलिए। बेरहम बेवफा अपना कुछ पता पता बता तो दे, ओ बेरहम बेकली बेकसी, कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे, ओ बेरहम। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में, तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। न्यू
उर्दू दहली फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि इसमें किसे कहा जा रहा है नखरे वाली। वैजयंती माला को किशोर कुमार कह रहे हैं नखरे वाली, ये जवाब आपने दिया और बिल्कुल सही बात आपने कही है। हमारे एक साथी कहते हैं स्वभाव के बारे में कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वभाव से चिंतन मनन कर दूसरों को आकर्षित करता है, उसके परिणाम स्वरूप खुश रहना, दूसरों को आकर्षित करना आदि कलाओं में वो माहिर होता है। इसके अलावा वो इस बात को भी जानता है कि किस स्वभाव के व्यक्तित्व से किस तरह का व्यवहार करना है, जिसके प्रभाव से वो अपनी छवि का निर्माण कर अपने कार्यक्षेत्रों और संबंधों में सफलता पाता है। वहीं हमारे दूसरे जो श्रोता हैं वो कहते हैं हर आदमी का स्वभाव अलग अलग तरह का होता है, कोई मीठा बोलता है, कोई कड़वी भाषा बोलता है, कोई शांत स्वभाव का होता है तो किसी को छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, कोई शक्की स्वभाव का होता है जो हर किसी को शक की दृष्टि से देखता है, तो कोई हर किसी पर विश्वास करने वाला होता है, कोई दूसरों से प्रेम भाव रखता है तो कोई ईर्ष्यालु होता है, किसी में दूसरों की सहायता करने का भाव होता है तो कोई किसी का बना बनाया काम बिगाड़ने की फिराक पे रहता है। आजकल मनुष्यों में प्रेम भावना लगभग समाप्त हो चुकी है, हर कोई एक दूसरे की प्रगति देखकर ईर्ष्या करने लगा है, कोई अच्छा कमा रहा है तो भी ईर्ष्या, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो भी ईर्ष्या। तो ये बात हमारे साथी का कहना है कि बहुत ईर्ष्यालु होते जा रहे हैं आजकल हम। हमारे एक और साथी कहते हैं मैं अपने स्वभाव का आकलन खुद नहीं कर सकता, ये आजादी मैं अपने मित्रों को देता हूँ जिन्होंने हर परिस्थिति में मेरे स्वभाव को देखा भाला है और परखा है। हाँ, मेरी ये कोशिश जरूर रहती है कि मेरे व्यवहार से किसी को दुख ना हो, मैं खुश रहना चाहता हूँ, खुश रहता हूँ, लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, कभी आसमान को चाहा नहीं और कभी धरती के अंदर नहीं देखा। तो ये एक अनोखा तरीका है इनका इस चीज को बताने का। हमारे एक और साथी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ एक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक प्रभाव लाता है, ये हमारे दैनंदिन के कामों, हमारे व्यक्तिगत आचार व्यवहार और नजरिए में प्रकट होता है। इंसान का स्वभाव उसकी मर्जी या उसकी बिना मर्जी खुद ही परिवर्तित होता रहता है। स्वभाव में सरलता, सहजता, नम्रता, शांति या गुस्सा, एकाकीपन, तनाव, चिड़चिड़ापन, ये सब एक लंबे अरसे के संस्कार से जोड़ा जाता है। मानव के पास भावनाओं, प्रेरणाओं और तर्क क्षमता की एक विस्तृत श्रृंखला है और प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, इसलिए वो उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जिसे स्वभावगत व्यवहार समझना चाहिए। और हमारे एक और व्यक्ति जो हमारे साथी वो कह रहे हैं कि स्व मतलब खुद, भाव मतलब मोल या कीमत, यानी कि खुद की कीमत या मोल होता है स्वभाव। लेकिन आप अपनी कीमत खुद नहीं कर सकते तो सामने वाला व्यक्ति करता है, वो भी सामने वाले व्यक्ति के प्रति आपके व्यवहार के आधार पर। कभी कभी दुर्व्यवहार से सामने वाला व्यक्ति ये भी कह जाता है जा रे हम तुझे पहचान गए, कितने पानी में हो पहचान गए। वो कह रहे हैं कि विविध भारती के सभी उद्घोषकों के लिए कह रहे हैं कि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है और इसके लिए हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। और सुनवाते हैं अगला गीत, इसमें बताइए कि किस तरह के स्वभाव की बात हो रही है, फिल्म का नाम भी बता सकते हैं और कौन है नायक इस गीत में ये बताइएगा। तो आपको बताना है कि इस फिल्म में के गीत में किस तरह के स्वभाव की बात हो रही है, फिल्म का नाम और नायक का नाम। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाऊं। बर्बादियों का सौग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सौग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
समझ लिया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हम दोनों फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इसी के विषय में हमने आपसे सवाल किया था कि इसमें किस तरह के स्वभाव की बात की जा रही है और फिल्म के नायक कौन है, फिल्म का नाम भी आपसे पूछा। हमारे साथियों ने बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे जिंदगी जीने की सलाह दे रहे हैं देव आनंद हम दोनों फिल्म के इस गीत में। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि बेफिक्री बता रहे हैं, टेंशन फ्री नेचर के बारे में बोल रहे हैं और बिंदास हैं वो बिल्कुल। तो ये सारी बातें ही एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और बिल्कुल सही बात आपने कही। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, तो व्यवहार से हमारी पहचान होती है, बिल्कुल सही बात। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव तो तिरछा है, वो चेहरे पे मेरे चेहरे पर दिख पड़ता है, एक अंदर है एक बाहर है, ऐसा नहीं है, यानी जो है सामने है, इस तरह का इनका कहना है। हमारे एक साथी का कहना है कि मनुष्य का स्वभाव व्यवहार और व्यक्तित्व अलग अलग होता है, ये प्रकृति की त्रिगुणात्मक माया से उत्पन्न सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होता है। जिस मनुष्य में जिस गुण की अधिकता होती है उसका वैसा ही स्वभाव व्यवहार और कार्य करने का तरीका होता है, इसलिए संसार में अच्छे बुरे शांत या हिंसात्मक प्रवृत्ति के मनुष्य अपने अपने गुणों के आधार पर होते हैं। तो ये भी बात उन्होंने एक अच्छी ज्ञान की बात हमें बताई। हमारे एक और साथी का कहना है कि कुछ लोगों के चेहरे से पता ही नहीं चलता कि उनका स्वभाव कैसा है, अक्सर इनके बारे में लोग धोखा खाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका स्वभाव कुछ ऐसा होता है जो छुपा हुआ रहता है, यानी छुपाने का स्वभाव होता है उनका। हमारे एक और साथी का कहना है कि मान माया लोभ क्रोध राग द्वेष इच्छा निंदा आलस चिंता डर इत्यादि बुरी एवं प्रेम वात्सल्य करुणा इत्यादि अच्छी अनगिनत कई प्रकार की प्रवृत्तियों का एक मानव पिंड है। ये तो वो कहना जिंदगी एक पहेली कहता है, तो इस तरह से उन्होंने अपनी तरह से बात बताई है। अब हम आपको जो गीत सुनवा रहे हैं उसमें ये बताइए कि एक इंसान को किस तरह का स्वभाव रखना चाहिए, ये बात कह रहा है ये गीत और आवाज किसकी है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है।
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। कहाँ की है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। इस गीत में मुकेश की आवाज आपने सुनी। तीसरी कसम फिल्म के इस गीत में क्या संदेश दिया गया या क्या स्वभाव अपनाने की, कौन सा स्वभाव अपनाने की बात कही गई, ये हमने आपसे पूछी थी। हमारे साथी कह रहे हैं सच बोलने वाले स्वभाव को अपनाने की बात कही गई है इस गीत में। वहीं हमारे एक और साथी वो कह रहे हैं आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चा और ईमानदार बन के रहना चाहिए। आशा है दूसरों को लोग क्षमा कर सकें। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि आदमी को सत्यवादी होना चाहिए, यही ये गीत बताता है। सच्चाई का रास्ता कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आज बात हो रही है मानव प्रकृति के बारे में, मानव के स्वभाव के बारे में, और हमारे साथी अपने स्वभाव के बारे में हमें बता रहे हैं। साथ ही लोगों को किस तरह का स्वभाव रखना चाहिए या व्यक्तियों के स्वभाव अलग अलग क्यों होते हैं, इसके विषय में भी आप हमें बता रहे हैं। हमारी साथी कहती हैं कि खुद के स्वभाव के बारे में लिखने का मौका आज उन्हें मिला है। वो कह रही हैं कि मैं अंतर्मुखी स्वभाव की हूँ, एकदम खुल के बात करने में हिचकिचाती हूँ, इसलिए कभी कभी कुछ लाभों से वंचित रहती हूँ। बाकी मेरे स्वभाव, मेरी प्रकृति से रसिक श्रोता परिवार परिचित हो गए हैं। हमारे इस कुछ बातें कुछ गीत परिवार में लगभग सभी सदस्य रसिक, उम्दा और चिकित्सक प्रकृति के हैं। कोई अच्छे धीरज वाला बेझिझक छोटी मोटी गलतियां बताकर विधायक सूचना देता रहता है। कोई मृदु स्वभाव का, मधुर स्वभाव का है, कोई सभी को संभाल लेने वाला है, तो कोई काव्यात्मक प्रकृति का, कोई संगीत का दर्दी, कोई पर्यटन प्रेमी, मनुष्य धन को जोड़ने वाला, सभी के स्वभाव काबिले तारीफ हैं। और उन्होंने कहा कि आपके सहित हमारे परिवार के सभी उद्घोषक सदस्य भी मिलनसार, उत्साही, आनंदी स्वभाव प्रकृति के हैं। सभी अपने स्वभाव का विनम्रता से रक्षण करें। इस स्वभाव प्रकृति संरक्षण वाले संदेश को विराम देती हूं। तो इस तरह से उन्होंने अपने स्वभाव के बारे में लिखा, श्रोताओं के स्वभाव के बारे में लिखा और उद्घोषकों के स्वभाव के बारे में भी लिखा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हर इंसान का अपना स्वभाव होता है। कोई गुस्सा ज्यादा करता है तो किसी को मीठा बोलना सबको भाता है, लेकिन इंसान की परख तब होती है जब वो चार लोगों के बीच रहे और अपना स्वभाव कायम रखे। हमारे एक और साथी का कहना है कि निदा फाजली ने लिखा है शेर कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। इस बात में यदि पूरे मानव समाज को जांचे तो बड़ा विकट जंजाल बना मिलेगा। मनुष्य की प्रकृति को बूझना सचमुच टेढ़ा काम है। असंख्य परतें, पहेलियां और प्रवृत्ति लिए होती हैं ये। मानव शरीर की जैविक बायोलॉजिकल रचना एक, लेकिन उसकी प्रकृति और व्यवहार के हजारों रूप और हजारों चेहरे।
किसी भी व्यक्ति का मूल स्वभाव उसकी 20 वर्ष तक की आयु तक पूर्ण बन जाता है। इसी के अनुरूप वो जीवन भर व्यवहार करता है। इसके बाद समय समय पर परिस्थिति के अनुसार छोटे बड़े बदलाव आते रहते हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि अगर आपका स्वभाव सुंदर है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, और स्वभाव के साथ आपकी वाणी भी सुंदर है तो आप दुनिया को बेशक अच्छे लगेंगे, क्योंकि स्वभाव से ही संस्कार जीता जाता है, अहंकार से नहीं। भले ही लोग आपको आपके नाम से पहचानते हों, लेकिन याद तो स्वभाव से ही करते हैं। कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है, थोड़ा हंस लेते हैं, थोड़ा हंसा देते हैं, ये सब आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। तो इस बात के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गीत जिसमें जिस तरह के स्वभाव की बातें अब तक हुई हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि है एक बिल्कुल दूसरा स्वभाव। तो हमें बताइए कि इसमें गीत में कौन सा स्वभाव प्रदर्शित किया जा रहा है और कौन सी फिल्म का ये गीत। तत् मुरलिक धुन सुन आई राधे जमुनक तट पर निरत करत उत निरत करत उत हिरत फिरत उत हिरत फिरत ऐसी चंद तपन राम ततई ततई राम ततई ततई राम ततई परिवार फिल्म का ये गीत आपने सुना। ये हमारा सवाल था साथी, कौन सा स्वभाव इस गीत में दर्शाया जा रहा है, ये हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं रूठने का स्वभाव इसमें बताया गया है। और हमारे एक और साथी का कहना है कृष्ण की छेड़छाड़ से परेशान है राधा। और हमारे साथी कहते हैं हर आदमी भौतिक सुख की चाह रखता है, इसी चाहत के कारण लोगों की सोच भी बदल रही है और स्वभाव भी बदलता जा रहा है। वहीं हमारे एक और साथी हैं वो कहते हैं कि मैं सच बोलने के चक्कर में बहुत धोखा मैंने खाया है, ऐसा इनका कहना है। और हमारे एक और साथी कहते हैं स्वभाव कैसा भी हो इंसान उसे सही साबित करने के लिए
तर्क गढ़ कर रखता है, इसलिए उसे दुनिया ही नहीं खुद को भी जवाब देना पड़ता है। तो ये भी एक पहलू है। हमारे एक और साथी का कहना है, मनुष्य के स्वभाव से ही उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है वो लगभग सभी को प्रिय लगने लगता है। ये माना जाता है कि अच्छे कर्म करने की आदत होने पर मनुष्य के स्वभाव में स्वयं से ही सरलता आ जाती है। मनुष्य को प्रकृति से यह शरीर प्राप्त हुआ है और इस शरीर में मन या हृदय वास करता है। यही मन मानव स्वभाव को संचालित करता है। सोचने की क्रिया, भावुक होना, खुश होना या चिड़चिड़ापन, ये सब मन की विशेषताएं होती हैं। अधिकांशतः यह प्रचलित धारणा है कि मन जितना निर्मल और पावन होगा उस मनुष्य का स्वभाव भी उतना ही आकर्षक होगा। यदि मन नियंत्रण में नहीं रहा तो कई प्रकार की विकृतियां आ सकती हैं। तो अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं और ये गीत किस फिल्म का है हमें बताइए और किसे कहा जा रहा है भोला। देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई का बाबू फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत में भोला किसे कहा जा रहा है और आपने बिल्कुल सही बताया कि सुचित्रा सेन भोला कह रही हैं देव आनंद को। और ये बातें हो रही हैं तो हमारे एक साथी कहते हैं कि मानव स्वभाव सबका अलग ही होता है। अपना अच्छे स्वभाव से किसी को हम बदल नहीं सकते जब तक इंसान खुद ना चाहे। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका स्वभाव हमसे मिलता नहीं, कई बार कोशिश करने के बाद भी बदलना नहीं चाहते, तो उनको अपने स्वभाव के साथ छोड़ना पड़ता है, फिर उनसे दूरी बनानी पड़ती है। समय की जो मांग होती है उसके अनुसार सबको बदलना चाहिए, तभी सभी के साथ सामंजस्य बैठता है। अगर अपने स्वभाव की बात करूं
तो सबके साथ साथ समय के साथ एडजस्ट करना बस गलत बात नहीं सुन पाती, ये इनका कहना है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मानवों की प्रकृति और प्रवृत्ति के बारे में क्या कहें, कुछ लोग सच्चाई और सादगी का मुखौटा ओढ़े रहते हैं लेकिन असल में वो क्या है ये वक्त आने पर ही पता लगता है। कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव का वर्णन खुद नहीं कर सकता, आपके बारे में दूसरे लोग कैसे विचार रखते हैं ये वही बता सकते हैं। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि उनका स्वभाव तो वो जो हैं सो हैं, मेरे स्वभाव मेरे लुक से मेरे लिखने से मेरे बोलने के अंदाज में मेरे वर्तनुक में है, लेकिन मेरे स्वभाव के बारे में दोस्तों को सही पता होगा, ऐसा उनका कहना है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे दोस्तों को हमारे स्वभाव के बारे में पता होगा और शायद यही वजह है कि हमारे एक साथी ने हमारे स्वभाव के बारे में लिख दिया है और उन्होंने कहा है कि नेहा जी हमें लगता है कि आपका स्वभाव बहुत चंचल है। तो हमारे एक और साथी का कहना है कि मेरा स्वभाव बहुत ही सरल और सादा है, मेरा हृदय बहुत कोमल है, मेरे में चट चालाकी नहीं है, आसानी से दूसरों की बात को मान लेता हूं पर कई बार मुझको नुकसान भी हुआ है, मैं किसी का दुख नहीं देख सकता, जब भी किसी गरीब को देखता हूं मेरा हृदय पसीज जाता है, मुझसे जो बनता है मैं उसकी मदद जरूर करता हूं। अब हम जो गीत आपको सुनवाने वाले हैं उस गीत में कुछ बेफिक्री की ही बात की जा रही है, कौन है नायक जो कर रहा है ये बात हमें बताइए। मतवाले हम मतवाले तुम चलते रहे यूं ही कदम, दिल वाले हम दिल वाले तुम बढ़ते चले यूं ही कदम, मतवाले हम औरों के काम आजा मिल मिल के झेलता जा, मुश्किल जो राहों में है मतवाला नाम है, मस्ती से काम है मस्ती निगाहों में है, दिल जब डोले मचल मचल के फिर क्या चलना संभल संभल के, दिल है जवान काहे का गम, मतवाले हम मतवाले तुम चलते रहे यूं ही कदम, मतवाले हम सारे रंगीन नजारे अपने दम से हैं प्यारे, हमको नजारों से क्या, हर दिल के प्यार हम सबकी बहार हम, हमको बहारों से क्या, सबसे नैना मिला मिला के दिल की कलियां खिला खिला के, चलते चले लहरा के हम, मतवाले हम मतवाले तुम चलते रहे यूं ही कदम, मतवाले हम। कैसा जीना अकेले गैरों का दर्द ले ले, अपना तो काम यही अपना तो सिन यही अपना तो दिन यही अपनी तो शाम यही, गिरते जन को उठा उठा के हर रोते को हंसा हंसा के, गाए जा तू जब तक है दम, मतवाले हम मतवाले तुम चलते रहे यूं ही कदम, मतवाले हम।
झुमरू फिल्म के इस गीत में किशोर कुमार ये गीत गा रहे हैं और उन्हीं पर ये फिल्म माया भी गया है। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, यही हमारा सवाल था। हमारे एक साथी कह रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति के स्वभाव को जानना है तो हमें सबसे पहले खुद उस व्यक्ति के साथ रहकर देखना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है। अगर किसी कारण से हम उस व्यक्ति के साथ रह नहीं सकते तो हमें उस व्यक्ति के परिवारजनों से या फिर उसके पास पड़ोसियों से जानना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति सामने कुछ अलग व्यवहार करते हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है, वैसे तो हर व्यक्ति अपने आप को सीधा ही कहता है, लेकिन हम वाकई में सीधे सरल व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं और सारे मित्रगण भी इसी बिरादरी के हैं। ज्यादा तेज तर्रार लोगों से दूर से ही तौबा तौबा, तो इस तरह से उनसे बचकर रहते हैं। हमारे एक और साथी का कहना है, सरल और शांत स्वभाव वाली अपने मन की बात कभी कह नहीं पाते। गुस्सैल और बोलने वाले लोग बोलकर चले जाते हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनके शब्दों का सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह से सरल स्वभाव वाले बहुत कुछ उन्हें झेलना पड़ता है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कहते हैं, कोई व्यक्ति किसी परेशानी की वजह से कुछ गलत और गुस्से में बोल जाता है, थोड़ा धीरज रखकर इंतजार करें, वो बाद में आपसे माफी मांग लेगा। तो यानी कि व्यवहार भी वक्त वक्त पर बदलता रहता है। हमारे साथी इस बारे में लिखते हैं और व्यवहार बदलता है इसके बारे में भी उन्होंने बताया है, तो हम ये बताएं। उससे पहले हमारे एक और साथी का कमेंट, वो कहते हैं, मेरे पिताजी बहुत गुस्सैल थे इसलिए मुझे गुस्सा बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मेरे पति, बेटा, बेटी सबको बहुत गुस्सा आता है। मैं कभी गुस्सा अगर होती हूँ तो बोलते बोलते भी रोने लगती हूँ, इसलिए मैं हमेशा शांत रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इससे तकलीफ मुझे ही होती है। जहाँ तक कि अगर मैं क्लास में किसी बच्चे को डांट देती थी तो बहुत देर तक असहज महसूस करती थी, इसलिए बहुत देर तक बच्चों द्वारा की गई हरकतों को अनदेखा भी करती थी। ये भी एक अलग ही तरीका है। हमारे एक और साथी का कहना है कि मराठी में कहते हैं, व्यक्ति क्या प्रकृति, जी हाँ, व्यक्ति उसकी ही प्रकृति, उतनी ही प्रकृति उतनी ही विकृति। कहते हैं, आदमी का मूल स्वभाव नहीं बदलता, शेर कभी घास नहीं खाता, स्वभाव के लिए कोई दवा नहीं है। लेकिन एक मानस शास्त्र का कहना है कि स्वभाव को औषध है। सहनशील आदमी भी गुस्सा करता है जब उसकी सहनशीलता की मर्यादा खत्म होती है। हमेशा गुस्सा करने वाले आदमी को भी गुस्से पर काबू रखना पड़ता है, नहीं तो उसका बुरा फल मिलता है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों। ये हमारे साथी का कहना है, संगत की वजह से भी आदमी में कुछ गुण और कुछ दुर्गुण आते हैं। बुरी संगत में रहकर भी अपने आप को संभालना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ सलाह देना जानते हैं, उनका वर्तनुक उनके खिलाफ होता है, और ऐसा इनका कहना है। तो इस तरह से लोगों का व्यवहार भी परिस्थिति के अनुसार बदलता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा दुख को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो चाहते हैं कि वो हमेशा दुखी रहें। कुछ ऐसा ही गीत है जो आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किस पर फिल्माया गया है और फिल्म कौन सी है। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। Thank you.
ना क्या बात है तू कोई सितमगर तो नहीं तेरे सीने में भी दिल है कोई पत्थर तो नहीं तूने ढाया है सितम किस्मत ही कुछ है किसी के दिल टूट गया वो तेरे प्यार का माय लव फिल्म के इस गीत में शशि कपूर ये बात कह रहे हैं और काफी दुखी हो रहे हैं। हमारे साथियों ने ये बात कही कि हमारे एक साथी कहते हैं कि आज अपने स्वभाव के बारे में पूछा है, ज्यादा लिखूंगी तो फिर अपने मुंह मियां मिट्टू वाली बात होगी, जैसी हूं वैसी हूं, समय ने कुछ गुस्सा कम कर दिया है पर हाँ जहां अन्याय की बात हो स्वाभिमान की बात हो वहां मैं जरूर बोलती हूं, आवाज उठाती हूं। स्वभाव तो ये भी डिपेंड करता है कि मैं हंसमुख हूं लेकिन अगर अगला नहीं हंसेगा बोलेगा कितना तालमेल बैठेगा। स्वभाव को बदलने में कभी कभी परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं। कहते ना कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता पर मैं कहूंगी बदलता है, समय के साथ सब कुछ बदलता है, दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ इस मौसम के फूल और पात बदलते हैं। हमारी दूसरी साथी कहती हैं हमारे स्वभाव से ही हमारी घर परिवार समाज में पहचान होती है, जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है वो लगभग सभी का प्रिय बन जाता है, गुस्सैल लोगों से सब दूर ही रहना चाहते हैं, पता नहीं कब किस बात पर भड़क जाए। अच्छे स्वभाव वालों को हर जगह मान सम्मान मिलता है, वे सभी के प्रिय रहते हैं। जैसा कि आपने पूछा है मेरा स्वभाव जिसे अंतर्मुखी कह सकते हैं, बहुत शांत स्वभाव, कम बोलना, हर तरह से दूसरों का सहयोग करने की आदत है, वाद विवाद जैसी स्थिति कभी नहीं आई, तो ये भी एक बेहतरीन स्वभाव है हम ऐसा कह सकते हैं। हमारे गौर साथी का कहना है कि मनुष्य के स्वभाव से ही उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है वो सबका प्रिय होता है, अच्छे कर्म करने की आदत होने पर स्वभाव में सरलता आती है, मनुष्य को प्रकृति द्वारा यह शरीर प्राप्त हुआ है, इसी शरीर में मन वास करता है, यही मन मनुष्य के स्वभाव को संचालित करता है, सोचना और भावुक होना इत्यादि मन की विशेषता है। कहते हैं कि मन जितना सुंदर होगा मनुष्य का स्वभाव भी उतना ही आकर्षक होगा, यदि मन नियंत्रण में ना हो तो स्वभाव में कई प्रकार की विकृतियां आ सकती हैं। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं लेकिन कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो सारी बातें कहकर भूल जाते हैं, कुछ ऐसा ही स्वभाव है जिसके बारे में इस गीत में कहा जा रहा है। बताइए कौन से फिल्म का ये गीत है। Thank you.
बैजू बावरा फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिसमें भूलने के स्वभाव की बात हो रही है। हमारे सभी साथियों ने बिल्कुल सही बात कही। हमारे एक साथी का कहना है कि बादलों को जब निहारता हूँ तब अनेक आकृतियां नजर आती हैं मुझे। कभी परियां देखता हूँ, कभी घोड़े दौड़ते नजर आते हैं, कभी नाव की पतवार भी देखता हूँ। पल पल बादलों की बदलती इस तस्वीर को जब देखता हूँ तब न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है बादलों और मानव में कितनी समानता है। इंसान भी पल पल में अपनी फितरत ऐसे ही बदलता है। मुझे झूठ पसंद नहीं, मुझे छल कपट पसंद नहीं है। ऐसे इंसानों से मैं दूर भागता हूँ। अपने व्यवहार और विचारों से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश भी करता हूँ। मैं शौकिया लेखक गायक हूँ और संवेदनशील भी हूँ। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि काम अच्छा करते हैं तो नाम याद रहता है, लेकिन आपका स्वभाव किस किस को याद रहता है ये महत्वपूर्ण है। समाज में मनुष्य दान पुण्य करके मंदिर धर्मशालाएं बनवाकर नाम कमाता है, किंतु ऐसे कार्यों के बीच में जब वो व्यक्ति लोगों के मध्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तो सबकी निगाह में ये बात आती है कि अमुक आदमी का स्वभाव भी एक दयालु का है, आदमी प्रेमी जीव है। बनवाने को तो बहुत कुछ बनवा दिया लेकिन वहां एक दिन भी नहीं गए तो समाज को आपके स्वभाव की जानकारी नहीं हुई। पैसे से आपने मंदिर खड़ा कर दिया किंतु मंदिर पर आपकी उपस्थिति, सेवा भाव, लोगों से मेल मिलाप आपके स्वभाव की सच्ची जानकारी देता है। यही स्वभाव आपके परिवार में भी सभी सदस्यों को यह दर्शाता है कि आप किसको अधिक प्यार करते हैं, किससे कठोर व्यवहार करते हैं। आपके स्वभाव के अनुरूप ही आपको परिवार में प्यार तिरस्कार दोनों मिलता है। घर का कोई ना कोई सदस्य चिढ़ा रहता है कि हमसे क्यों हरदम गरज कर बोलते हैं, डांट कर बोलते हैं। वो सदस्य आपको घृणा की दृष्टि से देखता है। अब आपका स्वभाव ही उत्तरदायी है कि एक ही परिवार में सब प्रेम करते हैं और एक आदमी आपसे क्यों नाराज रहता है। तो ये बात भी सोचने की है कि क्यों एक व्यक्ति हमसे नाराज हो सकता है। कई बार व्यक्ति अपने मन की बातें किसी से नहीं कह पाते। हमारे एक और साथी का कहना है, अगर लोग किसी बात की बहस में जब चार लोग बैठते हैं तो कुछ लोगों के व्यवहार में तीखापन और व्यंग, क्रोध आना स्वाभाविक होता है, पर इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बाद में माफी मांग के सब रफा दफा हो जाता है। अब आपको जो गीत सुनवा रहे हैं, हमें बताइए कि किस स्वभाव का ये गीत है, आवाज किसकी है और फिल्म का नाम। अपने जिया की मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की मायरे डगर में बैठे मैला हुआ भी मेरा आंचरा मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोहे नहीं काजरा कोई जो देखे मैया चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे भैया की छैया आके मिलते नहीं कभी सांवरे दुखिए मिलन का लेके का करूं का जाऊं रे आंखों में चलते फिरते रोज मिले कर भी नहीं उनको मैं पाती मायरे मैं कैसे कहूं।
मदन मोहन की आवाज में दस्तक फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसमें स्वभाव किस स्वभाव की बात की गई हमने आपसे पूछा था और आपने बताया कि मन की बात मन में रखने की बात कही गई है इसमें। हमारे एक साथी कहते हैं अपने स्वभाव को अच्छा बताना यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। बुरा स्वभाव बताने से मन दुखी होता है। हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है और इसके अच्छे बुरे होने की पहचान दूसरे ही कर सकते हैं। स्वभाव देखकर ही हम दूसरों की ओर आकृष्ट होते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। मेरे बैंक के सहकर्मी थे जो हमेशा मुस्कुराकर मिलते थे। कितना भी काम हो, व्यस्त हो, लेकिन उनके पास कोई अपना काम लेकर पहुंच जाता तो डिस्टर्ब होने के नाम पर कभी माथे पर सलवटें लाकर नहीं बल्कि शालीनता से मिलते। उनके इसी स्वभाव के कारण वो मेरे अच्छे मित्रों में से रहे। हमारे गौर साथी का कहना है लेकिन मनुष्य का स्वभाव ही उसका अस्तित्व है, वही हमारा व्यक्तित्व है, लेकिन मनुष्य ही है ना उसे स्वभाव में कभी कमी नजर आती ही नहीं, अपितु दूसरों के दोष दिखते हैं। दूसरों के स्वभाव पर उंगली उठाना जितना आसान है उतना ही कठिन है आत्मविश्लेषण। वैसे प्रकृति, मौसम, वातावरण, परिस्थितियां और हमारी संगति का स्वभाव पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दुर्योधन का क्रोधित स्वभाव ना होता तो शायद महाभारत का युद्ध ना होता। दूसरों के स्वभाव से कुछ अच्छा सीख लें तो जरूर सीखें। अपने स्वभाव की छोटी छोटी बातों पर मनन करना भी बहुत जरूरी है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप को सीधा सच्चा ही कहता है लेकिन वो सीधे व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। दूसरे व्यक्ति श्रोता का कहना है मनुष्यों का स्वभाव, व्यवहार और व्यक्तित्व अलग अलग होता है। एक ही माता पिता के संतान का एक से ही वातावरण में पालन पोषण होने पर भी उनके स्वभाव या व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन मनुष्य अपने स्वभाव में परिवर्तन करके उसे अच्छा या बुरा बनाने में सक्षम हो सकता है। इसके लिए उसे अपने अंदर मौजूद गुणों का अवलोकन स्वयं करना पड़ेगा क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही है जो मनुष्य को विशेष बनाता है। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और इस गीत में कौन सी बात कही गई, कौन से स्वभाव की बात कही गई हमें बताइए। साथ ही ये बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत, फिल्म का नाम। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी, दुनिया ने कितना समझाया कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी, दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा, हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अनाड़ी फिल्म के इस गीत में राज कपूर नजर आते हैं पर्दे पर। आपने बताया नूतन और शुभा खोटे भी पर्दे पर नजर आती हैं और इस गीत में जिस स्वभाव की बात की गई है वो है सीधा साधा स्वभाव। और इस गीत के साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि आपका जो भी स्वभाव है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, अच्छा है, उसे बनाए रखिए। और आज के इस कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत।